हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला के रामपुर विधानसभा क्षेत्र की दत्तनगर पंचायत में शनिवार रात कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निजी वाहन से लाई जा रही ईवीएम देखकर नेशनल हाईवे पर हंगामा किया। उन्होंने सवाल उठाया था कि निजी वाहन में ईवीएम कैसे ले जाई जा रही है। करीब एक घंटे तक चले विवाद के बाद चुनाव पर्यवेक्षक भावना गर्ग मौके पर पहुंची और उन्होंने कार्रवाई करने का आश्वासन देकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को शांत किया। रिटर्निंग ऑफिसर एवं एसडीएम सुरेंद्र मोहन ने बताया कि पार्टी ने उचित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया है, इसलिए मतदान केंद्र 49 दत्तनगर में तैनात पोलिंग पार्टी नंबर 146 के 6 कर्मियों को तुरंत निलंबित कर दिया गया है। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज़ के साथ।